रेट पूछ लेना। एक कमरा एक ऑप्शन है कि पूरे आपकी जायदाद, तो हम लोगों ने सिर्फ कमरा बेचा है अभी। रहेगा ये है कि जूस वाले का नुकसान हो गया 40 का, पर हम उसके पास एक दिन जाएंगे फिर से जूस पीने, लेकिन वो रहेगा तो नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या पता इस बार वो मार दे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है 5:30, आज ब्लॉग लेट चालू हुआ है। अभी जा रहा हूँ काम से मार्केट, फिर जैसा होता है मिलते हैं अपन, बने रहिए। सो तो एक सामान लेना था, ये ले चुके हैं। अब एक रेस्टोरेंट पे आए हुए हैं, एक फ्रेंड को कुछ पार्सल वगैरह करवाना था, वहीं है। अब देखते हैं, फ्रेंड लोग अंदर हैं, मैं थोड़ा बाहर आ कर के बना रहा हूँ, देखते हैं अगर कहीं जाते वाते हैं तो मिलते हैं आपसे। और कुछ खाएगा? जहर हा? जहर के साथ कुछ आ रहा है। और क्या आ रहा है? कोल्ड ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा क्या? खा ले ना, उठा ले। देखिए आपको दिखाता हूँ मेरी बॉडी क्यों नहीं बन रही है। देखिए इतना ऑयल खाऊंगा तो कहाँ से बॉडी बनेगी? एक तो घर बैठे भी बॉडी नहीं बनेगी, ये भी सही बात है। सब भी खा दोगे क्या? मन करो। ये देखिए एक पेनी जोड़ा लिपटा जा रहा है। तुम कहे मरे जा रहे हो? अलग बात है। भाई रीवा की सबसे बेस्ट रोड है ये, और बेस्ट जगह है, क्या बोलते हो? बेस्ट लोकेशन सब डालो, तुम लोग पढ़ लिख लेते तो एक घर तो मिल जाता है यहाँ। दादा को मिल तो गया, तो दादा को मिल गया तो दादा आने थोड़ी ना देंगे। लाइट से जला दो। अच्छा गर्मी है भाई, नहीं सही जाती गर्मी। पानी वानी की व्यवस्था है? भरा हुआ है क्या इसमें? बहुत तेज गर्मी, रात में नींद नहीं आती मेरे को। आज आए पंखा हाँकने? आज मैं अभी यहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा ये ओवर ब्रिज, आप देख पा रहे होंगे, मेरे को जाना है उस तरफ और ओवर ब्रिज से जा सकता हूँ। पर अभी मैंने जब जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर ऐसे यूट्यूब चला रहा था, वहाँ पर एक वीडियो देखा, तो वो एक लेडीज़ थी, उसने कार से एक टू व्हीलर वाले को ठोका है, तो जो दूसरा बंदा जो पीछे बैठा हुआ था टू व्हीलर में वो ओवरब्रिज से आ गया नीचे। मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं ओवरब्रिज पर चढ़ूँ, इसीलिए मैं नीचे चल रहा हूँ। ओवरब्रिज पर इधर है इसीलिए मैं नीचे जा रहा हूँ। और हो गया था काम, एक और दोस्त है उसको घर ड्रॉप करना है, तो उसको घर वर ड्रॉप करता हूँ, फिर मिलते हैं अपन घर पर, के साथ भी कुछ होगा तो दिखाता हूँ। अबे मैं ये बोल रहा था, यहाँ पेड़ पौधे वगैरह सब बढ़िया है ना ये जगह? ये बता वैसे कि तू फ्लाईओवर वाला रास्ता क्यों नहीं आया? अभी मैंने पिछली क्लिप में मैंने बताया भाई कि एक वीडियो देखा, उसमें एक तो लेडीज ने ठोक दिया तो वो एक बंदा नीचे आ गया। भाई ये देखिए क्या पैसे कितने? 500 5 रुपया। चल कुछ तो मिला ना, से तो अच्छा ही है। क्या ये 5 रुपए हैं? हाँ, ये 5 रुपए हैं। मिला भी तो 5 रुपए मिला, चलो कुछ तो मिला। तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, फ्लाईओवर वाली बात। फ्लाईओवर तो वही मैं वीडियो देखा तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने की, मैं कहा कि कहीं मैं नीचे ऊँचे ना आ जाऊँ, क्योंकि जस्ट वीडियो देखा ही था और गाड़ी लेकर निकला तो फ्लाईओवर पड़ गया तेरे घर के पास। कोई बात नहीं, पलटने से बच गया तू। वो सब ठीक है, ये 5 रुपए की जगह अगर 500 होता तो सुबह चिकन कटलेट कॉफी हाउस में होता। एक मुर्गा बच गया आज। एक बार धोखा खाने के बाद गन्ने का जूस पी करके इनको अब दोबारा गन्ने का जूस पीना है, तो वही आए हुए हैं। काफी ढूंढने के बाद मिला है यहाँ पे, ये भी बता। रेट पूछ लेना पहले। हाँ रेट पूछो, उसके रेट आ रहा है। रेट भैया का 25 रुपये 40 रुपये है। 25 रुपये 40 रुपये
बट भैया के पास ऑप्शन है कि सिर्फ आपके घर का एक कमरा, एक ऑप्शन है कि पूरे आपकी जायदाद। तो हम लोगों ने सिर्फ कमरा बेचा है अभी, थोड़ा सा घर वाला दो बोल दो। अगर हम बर्फ नहीं डलवा रहे हैं तो आपका बर्फ बच रहा है तो आपको 20 का देना चाहिए। गन्ना महंगा है भैया, उतना ही लेते हैं। क्या रुपए रेट चल रहा है गन्ना? क्या रेट चल रहा है? 40 रुपए का एक। 40 रुपए एक ठीक है, हो गया। इतने में तो आप मुझे ठीक कर दिए। बर्फ नहीं डला रहे थे, आपको 20 ही का देना, बर्फ डला करके 25 का। इसमें नमक, नींबू, पुदीना, पालक और साथ में थोड़ी सी टाइफाइड दे दीजिएगा। लेकिन सब डाल दीजिएगा, नींबू है ना। ठीक, डायरेक्ट 25 का आप कम से कम 25 का पिलाते हैं। एक जगह एक जगह हम पी लिए फिर रेट पूछे। हाँ, सिंगल गिलास बताइए। बर्तन अपना महीनों डाल रहे हैं तो भाई 20 का बना रहे हैं ना। ठीक है, 20 वाला है, गरीबी रेखा के नीचे। एक जगह हम पी लिए फिर रेट पूछे तो 50 रुपये बता दिया, इसीलिए हम आपसे पहले रेट पूछ लिए। बड़ी वाली गिलास पिला रहा। अरे यही गिलास थी भैया, ये गिलास थी। इधर आओ, इधर आओ। कैसा था गन्ने का जूस बताओ थोड़ा? मेरे लिए तो ठीक ही ठाक था, किसी एक के लिए लाल लाल जूस ज़रूर निकला है। हुआ क्या? पूरी कहानी ये सुनिए आप लोग, और मेरी जुबानी नहीं इनकी जुबानी सुनिए क्या हुआ। हम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए वापस, पर आप सुन सकते हैं क्या हुआ है, और ये सही सही हुआ है। अभी हम लोग आए ही हैं, बताइए। शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि एक आदमी ने हमें कहा चूतिया, अचानक से आया हमें चूतिया बोल दिया, तो भैया ट्रिगर हो गए। भैया ट्रिगर हुए थे। भैया ट्रिगर होने के बाद उसको बोले ना भाई कैसे चूतिया बोले, कैसे चूतिया बोले तीन दर की। कुछ ऐसी बात थी, ऐसी बात हम लोग उससे कर रहे थे जूस वाले से, कि पिछली बार हम लोग गए थे तो वहाँ पर उससे रेट नहीं पूछा और हमने पी लिया तो वो महंगा बना दिया था। तो उसी चीज़ को वो सुन रहा था, अपनी उनसे कोई बात हो नहीं रही थी, पर वो आगे से आ गया और ऐसी ऐसी बातें करने लगा। पहले कहा कि आप तुम बेवकूफ़ बन गए। बेवकूफ़ तक तो ठीक है, हाँ भाई बन ही गए थे बेवकूफ़। फिर उसके बाद चूतिया बोल दिया तो दिमाग हो गया ख़राब। मैंने बोला कि भाई चूतिया होती कैसे बोल रहे, चूतिया मत बोलो। तो बोलता है फिर भी चूतिया बोल रहा था, हो गया दिमाग ख़राब। फिर गाली वाली भी देने लगा। फिर बैठाए उसको हम लोग, मतलब धक्का उक्का दिए, दूर चला गया। जब बैठने के बाद फिर गाली दे दिया, फिर रहा नहीं गया, फिर थोड़ा जूस निकली गया उसका। और गाली के बाद उसको लगा और जो ये फिर भागा है वो गन्ना उठाया है। उसने गन्ना उठाकर इसको पास आया तो ये रोड ही की उस तरफ चला गया जो भागा है। भाई किसी के पास डंडा डंडा आ जाएगा। हाँ, मेन ये है कि उससे हमारा कोई बात नहीं थी, हम ठेले वाले से बात कर रहे थे, वो ड्रिंक किया हुआ था। बेवकूफ़ बोला ठीक है, हाँ ठीक है, बेवकूफ़ बन गए थे उस दिन। आप शायद ब्लॉग में मैंने डाला भी था महंगाई ज़्यादा बढ़ गई 40 रुपए का गन्ने का जूस। तो फिर चूतिया बोल दिया। अब चूतिया तो नहीं है देखिए। तो उसका फिर जूस निकला। ये है कि ये वाला जूस हमेशा याद रहेगा। ये है कि जूस वाले का नुकसान हो गया 40 का, पर हम उसके पास एक दिन जाएंगे फिर से जूस पीने, लेकिन वो रहेगा तो नहीं जाएंगे, नहीं तो क्या पता इस बार वो मार दे। मुड़ में रहे तो ठीक है। अब हो गया, यहाँ से मैं निकलूँगा। समय हो रहा है 10:15, घर ही जाऊँगा, खाना वाना खाऊँगा, वीडियो एडिट करूँगा, फिर उसके बाद सो जाऊँगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।